अच्छी हो, लोकेशन आउटस्टैंडिंग हो, घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फिनिशिंग, मटेरियल, एक्सेसरीज, हर चीज़ पर बहुत तवज्जो दी गई हो और आउटस्टैंडिंग किस्म का घर बनाकर आपको दिखा दिया जाए। लेकिन आज मैं जिस घर पर आया हूँ इसमें ये सारी क्वालिटी टिक बॉक्स हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ना सिर्फ आपकी लोकेशन, सोसाइटी जिसमें मैं खड़ा हूँ, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया गया है, फिनिशिंग मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें आपकी इंटरटेनमेंट का भी बंदोबस्त किया गया है। जी हाँ, प्रॉपर यहाँ पर आपको होम थिएटर भी दिया गया। व्यूअर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन फेज़ 8 में, और ये मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, एक कनाल का ये घर जिसकी डायमेंशन 50x90 है और तकरीबन 6000 से 6500 तक का कवर्ड एरिया आपको अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं, इसके एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस घर की बैक साइड पे तकरीबन 20 फीट का लॉन एरिया आपको अलहदा से मिल जाता है एज एन एक्स्ट्रा लैंड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने लॉन के तौर पर। मैं सबसे पहले आपको ज़रा स्ट्रीट व्यू दिखा दूँ, जो स्ट्रीट व्यू यहाँ पर अवेलेबल है। ज़रा चेक करें व्यूअर्स, ये सामने आपका मेन बहरिया एक्सप्रेसवे जा रहा है, उसके बिल्कुल साथ चौथा या पांचवा घर आपका है। बैरियर आपको नज़र आ रहा होगा, सिक्योरिटी लेयर्स यहाँ पे हैं, इस बैरियर से गुजरे बगैर आप इस घर में नहीं पहुँच सकते। इसके अलावा दूसरा सिक्योरिटी बैरियर यहाँ पे आपको प्रॉपर सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड मिलता है, प्रॉपर यहाँ पे इस घर में सीसीटीवी आपको दिया गया है। ये एक्सेस रोड जो आप देख रहे हैं, 60 फुट की ये रोड है, पीसफुल लोकेलिटी है। आप देख सकते हैं इस टाइम इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही हैं, खामोशी है। शाम के टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फैमिलीज वॉक करती हुई मिलेंगी। इस ए प्लस ग्रेड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ घर की कीमत 10.5 करोड़ रुपया रखी गई है, जो कि बहुत जस्टिफाइबल है, बहुत जायज़ प्राइस है। ये तो था व्यूज एक इंट्रो इस खूबसूरत घर का। ज़रा फ्रंट एलिवेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, फ्रंट एलिवेशन ज़रा देखिए, फ्रंट फसाद इसका किस कदर डिफरेंट ज़बरदस्त दिया गया, और इसमें जो वाव फैक्टर है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको ये ह्यूज किस्म का विंडो पैनल नज़र आ रहा है, जो कि आपके ग्राउंड से लेकर अप टू द सीलिंग आपको ये चीज़ आप देखिए, जूम करके आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ आपको अवेलेबल है, जो कि इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर देती है। इसके अलावा ये जो फ्रंट पे आप टाइल्स देख रहे हैं व्यूज, ये सारी इम्पोर्टेड टाइल्स लगाई गई हैं। इस पार्किंग स्पेस की अगर बात करें, गैराज स्पेस की, तो यहाँ पे बासानी 2 बड़ी गाड़ियाँ आप पार्क कर सकते हैं, इतनी स्पेस आपको अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको ये मिलता है बाहर एक इंटीरियर लॉन आपका, जहाँ पे आपके ऑलरेडी पौधे वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ पे व्यूज एक ख़ास चीज़ जल्दी से आए, यहाँ पर आपको 2 टैंक दिए गए हैं ताकि पानी का मसला आपको कभी भी ना हो, एक टैंक, दूसरा टैंक, और इसी तरह 2 मोटर्स आपको साइड पे मिलेंगी, जो कि आपके वाटर टैंक्स के लिए अलग अलग हैं। डबल यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं तो 2 अलग मोटर्स और टैंक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा जी, सबसे पहले आप एंटर होंगे इस खूबसूरत बड़े से डबल डोर के साथ। यहाँ पे डोर्स हैंडल डोर क्वालिटी अच्छी रखी गई है, और जो ही आप अंदर आते हैं व्यूअर्स, तो ज़रा चेक करें, ये जो आपको लॉबी एरिया मिलता है, यही इस घर की खूबसूरती का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं मेन पॉइंट है। ये शैंडलियर ज़रा चेक करिए, किस कदर खूबसूरत शैंडलियर दिया गया है। ना सिर्फ शैंडलियर यहाँ पे, बल्कि अगर मैं आपको लेफ्ट साइड पे ये वाला विंडो पैनल दिखाऊं, आप देखिए ये कहाँ से आपको स्टार्ट किया गया है और अप टू द रूफ ये आपको विंडो पैनल दिया गया है। इससे क्या होगा, खूबसूरती तो है आपकी फ्रंट एलिवेशन की, लेकिन आपकी जो सनलाइट है, इस टाइम भी शाम का टाइम है और आप देख सकते हैं, अगर मैं लाइट्स भी ऑफ कर दूं तो यहाँ पे इनफ सनलाइट आ रही है। ठीक है जी, इसी लॉबी के साथ आपको ये स्टेयरकेस लेके जाएगा आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और यहाँ पे आपको ये डेकोरेशन एरिया प्लस ये है आपका पाउडर रूम, ताकि आपके गेस्ट वगैरह अगर आते हैं तो वो पाउडर रूम यूज़ कर सके। और एक और चीज़ ज़रा कैमरामैन भाई दिखाइएगा, ये टेक्स्चर ज़रा चेक करिएगा व्यूज, ये स्पेशली टेक्सचर, वॉल टेक्सचर जो है ये कराची से मंगवा के यहाँ पर पेस्ट किया गया है, यहाँ पे लगाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, अलॉन्ग विद दिस शैंडलियर, क्या ही कमाल की ये लुक देता है जी। उसके बाद जी ये है आपका ड्राइंग रूम, इसमें भी जाते हैं, उससे पहले ये ज़रा लॉबी चेक कर लीजिए, ये वॉक थ्रू चेक कर लीजिए, और इसके ऊपर ये देखिए आपको
ज़रा अरेबिक टच नज़र आ रहा होगा जी, जैसे आप किसी मिसर वगैरह के बाज़ार में फिर रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये आइडियाज़ दिए गए। अच्छा जी, ड्राइंग रूम स्पेस, नीचे टाइल का डिफरेंट इस्तेमाल आपको मिलेगा। निस्बतन छोटी स्पेस में आपको ड्राइंग रूम दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक ड्राइंग रूम इसी स्पेस पर बन रहे हैं। आपको आपकी फायर प्लेस यहाँ पर अवेलेबल है, ऊपर सीलिंग वर्क अलॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल शैंडेलियर। और इसमें आपकी ख़ास बात कि आपका ड्राइंग रूम जो है वो आपकी बिल्कुल एंट्रेंस के साथ है। गेस्ट वगैरह जब आएंगे तो आप उन्हें प्राइवेसी में लेके जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया सामने पाउडर रूम भी है। आगे बढ़ते हैं जी, ये राइट साइड पे स्लाइडिंग डोर के साथ ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका डाइनिंग एरिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पे भी उसी तरह की टाइल वर्क, ऊपर शैंडेलियर खूबसूरत, और उसके ऊपर जरा देखिए किस कदर ज़बरदस्त काम किया गया है। ये सारा कुछ व्यूअर्स बताता है कि घर की डिटेलिंग पर बहुत तवज्जो दी गई है। और यहाँ पे भी आपको ये विंडो पैनल ये देखिए अलहदा से दिया गया, ताकि आप जब आप खाना शाना खा रहे हो तो बाहर का ये खूबसूरत व्यू भी आप शैंडेलियर वगैरह सब कुछ इंजॉय कर सके। राइट साइड पे आपको मिरर वर्क वगैरह मिल रहा है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया व्यूअर्स, अगर दीवार को दिखा सकें, ये प्रॉपर यहाँ पे वॉल टेक्सचर यूज़ किया गया है। ये जोतन के पेंट के साथ ये वॉल टेक्सचर, इट गोज अक्रॉस द लॉबी एरिया। उसके बाद आप इस डबल डोर के साथ दाखिल हो जाते हैं घर के अगले हिस्से में, जो कि आपको शुरू में लेके जाएगा आपके टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज चेक करिएगा व्यूअर्स, स्पेस देखिए, अच्छी स्पेस यहाँ पे दी गई है। आपकी वेंटिलेशन विंडोज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो है वो आपकी मल्टीमीडिया वॉल या मीडिया वॉल आप इसे कहते हैं, ये मिल रही है। फायर प्लेस भी यहाँ पे आपको दी गई अलॉन्ग विद द स्टोरेज एरिया, मल्टीमीडिया वॉल के लिए आपको अवेलेबल है। और ये जो आप रैक्स देख रहे हैं, दे कैन बी यूज फॉर योर डेकोरेशन पर्पजेज। ठीक है जी, ये है आपका टीवी लाउंज, और इसके बिल्कुल साथ आपको मिलेगा किचन। वन मोर थिंग, ये जो आप देख रहे हैं इस घर में, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फीचर्स हैं, जिनमें से एक फ़ीचर आपके सीसीटीवी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। आइए ज़रा किचन में आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स। किचन मैंने बहुत सारे कवर किए हैं, लेकिन इस किचन में आपको मैं ये बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि थिकनेस ज़रा चेक करें जो यहाँ पर यूज़ की गई है इस शीट में। यह ये सारी शीट इम्पोर्टेड यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं जो किचन कैबिनेट्स हैं उनकी हाइट ज़रा चेक करिए, किस कदर ज़बरदस्त इसका कलर स्कीम है और कंट्रास्ट कितना ज़बरदस्त मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको ये थ्रू आउट दिस किचन आपको ये वाली कैबिनेट्स मिलेंगी, और ये आपको प्रॉपर इम्पोर्टेड कैबिनेट्स यहाँ पे यूज़ की गई है। इसके अलावा आपका स्टोव, आपका हुड, ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको मिरर के साथ ये कैबिनेट्स दिए गए हैं। ये है आपकी रेफ्रिजरेटर स्पेस, और यहाँ पे आपका ओवन और माइक्रोवेव ओवन ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। और सिर्फ ये नहीं, उसके साथ भी आपको आपके किचन स्पेस में ये रैक भी दिया गया है। इसके साथ ही इस साइड पे अगर आपको मैं दिखा सकूँ, चेक करिए जी, ये आपका ग्रीजी किचन या डर्टी किचन जिसे कहा जाता है, ये किचन भी अवेलेबल है। और यहाँ से एक डोर आपको बाहर आपके एलीवे पे भी लेके जाता है। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का किचन का एरिया, और किचन बहुत ज़बरदस्त प्रिपेयर किया गया, वन ऑफ द बेस्ट किचन्स आई हैव सीन इन दिस कैटेगरी। अच्छा जी, नीचे दो बेडरूम है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया सेमी फर्निश्ड घर है, यानी कि आपको बेडरूम्स में कुछ फर्नीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। आइए रूम नंबर वन को ज़रा देखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, स्पेस रूम नंबर वन की आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बेड दिया गया है, गद्दा तुसी आप ले के आसो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडी चल रहा है व्यूअर्स, बेड का ये डिज़ाइन, तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रूम साइज़ इतना है कनाल के घर होने की वजह से कि आपकी यहाँ पे आप चेयर्स फर्नीचर वगैरह एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़, सामने आप सोए हुए उठेंगे, स्पेशली वहाँ पर बाहर आपको आर्टिफिशियल ग्रास और प्लांटर्स दिए गए हैं, ताकि सुबह आप उठें तो बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आए। अच्छा जी, ये देख लें जी, ये है यहाँ की जो क्लोजेट्स वगैरह हैं, क्लोजेट स्पेस आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, आपको ग्लास के साथ दी गई है। अब आएँ इसके वॉशरूम की तरफ।
इस वॉशरूम का यहाँ पर थ्रू आउट दिस हाउस बहुत जबरदस्त एक्सेसरीज यूज की गई हैं, सारी इंपोर्टेड चीजें यहाँ पे आपको लगी हुई मिलेंगी। और अगर मैं आपको यहाँ से जरा प्लीज इसको देखिएगा, जो आपकी कमोड है रोका का यहाँ पे ये यूज किया गया थ्रू आउट दिस हाउस, जो कि सबसे इस टाइम एक्सपेंसिव ब्रांड है, ओरिजिनल है जी। इसी तरह ये जो आपको बाथ टब नजर आ रहा है, लाइफ टाइम गारंटी के साथ, आपकी ब्रेकेज की गारंटी के साथ आपको दिया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे किस कदर खूबसूरत डिजाइन के साथ ये आपको अवेलेबल है। पानी ऐसी बंद किया है, अच्छा कोरियन टॉप के साथ आपको मैंने यहाँ पे सिंक दिखाया रूम नंबर टू। जल्दी से आए मेरे साथ, रूम नंबर टू में भी ये इफेक्ट आपको मिलेगा। सुबह सुबह आप सो के उठेंगे, आपके राइट हैंड साइड पे ये खूबसूरत प्लांटर्स और आर्टिफिशियल ग्रास मिलेगा। इसके अलावा ये बेड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, अगेन सेम स्टाइल के साथ ये बेड दिया गया है। सामने मीडिया वॉल भी आपको अवेलेबल, अगर आप चाहें तो टीवी शीवी यहाँ लगा के इंजॉय कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी क्लोजेट्स अवेलेबल हैं और इसका वॉशरूम आए देखते हैं। शॉवर कैबिन के साथ अगेन रोका का आपको यहाँ पे कमोड मिल रहा है और सिंक एरिया आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो व्यूअर्स ये था एक क्विक टूर, इसको जल्दी से मैं रीकैप अगर करूँ तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दो बेडरूम्स जो कि मैंने आपको दिखाए, ये बड़ा सिटी विला बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेड एक्सेसरीज के साथ आपका किचन, और उसके बाद इस लॉबी एरिए में आपका डाइनिंग एरिया, आपका ड्राइंग रूम और सबसे बढ़कर आपका जबरदस्त किस्म का ये लॉबी एरिया, जो कि देखते ही आप कहते हैं कि वाओ क्या ही बात है। व्यूअर्स ऊपर लेके जाऊंगा आपको जहां पे बाकी घर का आपको जल्दी से कराता हूं टूर, आइए मेरे साथ। ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो मैं चाहता हूं कि पहले आप देखें, जब आप अपनी बालकनी में खड़े होंगे टाइप ऑफ बालकनी ये एरिया जो है, तो ये शैंडेलियर जरा देखिएगा क्या ये इफेक्ट आपको ये दे रहा होगा जी। और स्टेयर्स भी जरा चेक करें, जो स्टेयर्स के साथ आपको वर्क मिल रहा है वॉल का, वो ही बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देता है। और यहाँ से ये ज़रा चेक करिएगा वॉल पे जो आपको डिज़ाइन अवेलेबल है, क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे भी अगेन नॉट टू मेंशन आपका टेक्स्चर जो है वो जोतन का यूज़ किया गया। बाहर जो ही आप आते हैं, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे जो ही आप आते हैं, तो बाहर की तरफ आपको एक रूम दे दिया गया है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि अगर आप इसको चाहें तो गेस्ट रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी मेन जो घर है वो डिस्टर्ब ना हो, गेस्ट वगैरह यहाँ से आराम से इसको इस्तेमाल कर सके। जस्ट लाइक नॉर्मल रूम, सारी यहाँ पर एक्सेसरीज आपको मिलेंगी, बेड अवेलेबल है, आपकी क्लोजेट्स जो है वो वॉशरूम में है, और इसके अलावा उसी तरह की वॉशरूम की क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल रही है जो थ्रू आउट दिस हाउस आपको अवेलेबल है। इसको हम कहेंगे ये है रूम नंबर वन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए जी, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर बड़ा विंडो पैनल दिया गया है, जो कि क्या करेगा, अंदर जाके आपको दिखाऊंगा, ये खूबसूरत व्यू आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। जी डबल डोर के साथ अंदर आपकी एंट्री होगी तो आप आ जाएंगे इस टीवी लाउंज में। फर्स्ट फ्लोर का ये टीवी लाउंज व्यूअर्स, जिसमें आपको दो वेंटिलेशन विंडोज अवेलेबल हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं मीडिया वॉल अलोंग विद द स्टोरेज एरिया, और अगर मैं यहाँ से आपको दिखा सकूँ तो यहाँ बैठकर ये बाहर का खूबसूरत शैंडेलियर आप ऑल द टाइम इंजॉय भी कर सकेंगे। अच्छा, इस घर की एक और ख़ास बात व्यूअर्स कि यहाँ पे ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये आपका स्टडी एरिया, मेज़नाइन, या किसी भी आप फंक्शन वगैरह के लिए यूज़ करना चाहें, ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाहें, तो ये अवेलेबल है। इसको जल्दी से देखते हैं, मेज़नाइन फ्लोर का कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी इन होता जा रहा है। मेज़नाइन फ्लोर में ये देखिए आपको एक प्रॉपर अच्छी स्पेस मिल जाती है, बुकशेल्स वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, स्टडी एरिया बनाएं, अपना ऑफिस एरिया बनाएं, और स्पेशली जैसे मैंने कहा कि जब फैमिली फंक्शंस हों तो ये स्पेस बहुत अच्छे यूटिलाइजेशन होती है। यहाँ से ये जो डोर आप देख रहे हैं ये आपको रूफ टॉप पे लेके जाएगा। नहीं जी व्यूअर्स, यहाँ पे सॉलिड वुड यूज़ की गई है। अच्छा जी, अब आपको दिखाऊंगा इस घर का सबसे ज़बरदस्त फैक्टर, आए
ये देखें जी, जब आप दुनिया के कामों से उकता जाएं, तंग आ जाएं, ऑफिस से थक हार के वापस आए, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहें, तो आपके लिए एक प्रॉपर होम थिएटर दिया गया है। जरा चेक करें, सिटिंग अवेलेबल है आपको, स्क्रीन लगी हुई है, प्रॉपर साउंड प्रूफिंग यहाँ पे की गई है और सराउंड साउंड आपको यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि प्रॉपर सिनेमे दे मजे तुसी ले सकते हो इस कार विच, 2-in-1। ये है जी इस घर का बहुत ही जबरदस्त वाओ फैक्टर। अच्छा जी, वापस टीवी लाउंज, यहाँ पे एक रूम मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, बाकी दो रूम जल्दी से कवर करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। रूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आपको बेड शेड अवेलेबल कोई नहीं है। यहाँ पे आपको वॉल का डिज़ाइन आपको देखें, शीट के साथ खूबसूरत वॉल डिज़ाइन मिलता है। इसके अलावा स्पेस आप देख सकते हैं, क्लोजेट्स जस्ट लाइक डाउनस्टेयर्स उसी तर्ज पे क्लोजेट दी गई हैं और बिल्कुल उसी तरह का आपको यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल है, अगेन विद बेस्ट पॉसिबल एक्सेसरीज। रूम नंबर 3 पे जरा जल्दी से जाते हैं। रूम नंबर 3 अगेन जस्ट लाइक डाउनस्टेयर्स, सेम स्पेस यहाँ पे यूज की गई है, वेंटिलेशन विंडो। और जरा जल्दी से आइएगा कैमरामैन भाई, एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने इंट्रो में भी आपको बताई थी, ये बैक पे जो आपको स्पेस नजर आ रही है व्यूअर्स, ये आप यूज कर सकते हैं एज योर लॉन एरिया। ये अवेलेबल है, ये आपके घर का हिस्सा है। ऑल यू हैव टू डू इस यहाँ पे आपने प्लांटेशन करनी है और इसके बाद पौधे शौधे लगाने हैं और एक दीवार देकर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये 20 फीट की ये जगह आपके घर का हिस्सा एक्स्ट्रा लॉन बन सकता है। ठीक है जी, जल्दी से क्लोजेट को देख लिया आपने, वॉशरूम को एक नज़र देखिएगा। वॉशरूम अगेन बहुत सेम क्वालिटी जो कि इस थ्रू आउट इस हाउस यूज की गई है। और एक चीज और, ये देखिए वॉक इन क्लोजेट्स का कॉन्सेप्ट जो है, ये आजकल अगेन बहुत इन हो रहा है, ताकि आपकी वॉक इन क्लोजेट्स, इसको आप आए निकालें, जाएं, पैक करें, वापस रखें, और उसके अलावा इसको एज अ स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं, स्टडी एरिया भी बन सकता है, इट्स अप टू यू। ये एक प्रॉपर आपको स्टोर रूम या वॉक इन क्लोजेट आपको अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, इधर अगर मैं इसको ज़रा रीकैप करूं, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के जो टीवी लाउंज है उसके बिल्कुल सामने, ये चीज़ मैं सॉरी बताना आपको भूल गया, यहाँ पे किचन जो है वो फर्स्ट फ्लोर का किचन भी आपको दिया गया है। ज़रा चेक करिएगा, डार्क ग्रे कलर का यहाँ पे आपको किचन कैबिनेट्स मिलते हैं, आपको स्टोव अवेलेबल है, आपका होब अवेलेबल है, और इसी तरह ग्रेनाइट टॉप के साथ आपका सिंक एरिया वगैरह सारा कुछ, एक प्रॉपर किचन फर्स्ट फ्लोर पे भी है, आपका माइक्रोवेव भी यहाँ पे लगा हुआ है। चलें जी व्यूअर्स, इसको रीकैप कर लेते हैं इस फ्लोर को। इस फ्लोर में आपको मिलता है जनाब ये टीवी लाउंज, इसके अलावा बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको मिल रहा है आपका होम थिएटर, उसके ऊपर आपको जो स्पेस दी गई है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए, स्टडी के लिए मेज़नाइन एरिया वहाँ पर अवेलेबल है, किचन है, और यहाँ पर दो रूम्स इस साइड पे आपको अवेलेबल हैं और एक रूम बाहर की तरफ अवेलेबल है जो कि आपका गेस्ट रूम भी बन सकता है। तो इस तरह टोटल इस घर में हुए 5 बेडरूम अलोंग विद होम थिएटर। और यहाँ पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे तो आपको 2 अलहदा से सर्वेंट रूम मिलते हैं, नॉर्मली 1 सर्वेंट रूम दिया जाता है, यहाँ पर आपको 2 सर्वेंट रूम भी अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए आप एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि इस घर में और दूसरे घरों में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का क्या फ़र्क है। अच्छा जी व्यूअर्स, अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियोस आप तक किस तरह पहुंचेंगी मुझे ये बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाते रहें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको घर किस तरह के लग रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। आइए ज़रा आपको फिर एक दफ़ा इस खूबसूरत शैंडलियर के साथ मलिक सोहेल को दीजिए इजाज़त। Till next video, Allah Hafiz.